अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। माय नेम इज शफकत, मेरे साथ एहसन भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और कैमरे पे अनवाज। आज ये फार्म हाउस बेदिया रोड पे मौजूद है, इसकी जो स्टोरी है वो आपको एहसन भाई बताते हैं। तो गाइस, इसकी स्टोरी इस तरह है कि फॉरेन कंट्री से कुछ पाकिस्तानी थे जो कि ओवरसीज़ थे, आए हैं यहाँ पर कोई 15 साल पहले। उन्होंने फार्म हाउस बनाया, जगह ली, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जगह में कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इस जगह में क्या क्या चीज़ें उन्होंने ख़त्म करके इस जगह को बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा सा जंगल हुआ करता था, यानी आप कह लें पौधे काफ़ी ज़्यादा घने थे। काफ़ी देर से जगह वीरान थी, जिस वक्त उन्हें ये सेल की गई उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के इस फार्म हाउस को तैयार करवाया। लेकिन बात ऐसी है, क्योंकि वो थे ओवरसीज़, उन्होंने आना होता था सीज़न में एक बार, यानी आप कह लें कि बाहर कोई गया है तो छुट्टियां गुजारने, रिलैक्स करने ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। उनके मुताबिक इस फार्म हाउस में एक औरत है वाइट कलर के लिबास में, जो अक्सर ही उसे नज़र आती थी। उसने अपना जो आप कह लें मेन जो इनका फार्म हाउस का एरिया है उससे अलहदा एक सर्वेंट क्वार्टर, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाता था। हुआ ऐसा कि तकरीबन 2 साल के बाद उसने अपने मालिक यानी जो इसके ओनर थे उनको फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, आप किसी और को रख लें। उन्होंने पूछा उससे, काफ़ी देर बातचीत हुई, लेकिन उसने ना सही बताया नहीं कि यहाँ पर मसला क्या है। फिर उन्होंने किस यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव को कहा कि आप यहाँ के केयर टेकर के तौर पे किसी को रखें। उन्हीं में से एक भाई ने हमें बुलाया है, जिनके मुताबिक यहाँ पे जो खातून है या उनका कोई कच्चा मकान था यहाँ पे, आई डोंट नो अब उसको ज़बरदस्ती खाली करवाया गया या उनको मारकर खाली करवाया गया। कहने का मकसद यही है कि जो उन्हें औरत नज़र आती है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे एक मकान हुआ करता था कच्चा, उसमें एक औरत रहती थी ज़ईफ़। सिर्फ यही कहानी अभी हमें मालूम है, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं रुका। अब कह ले केयर टेकर जितने भी उन्होंने रखे, कोई 2 माह के बाद, कोई 3 माह के बाद यहाँ से भागता रहा है। और बाकी पहले हम आपको बाहर से फार्म हाउस दिखाएंगे और आप पहले वीडियो देखें कि फार्म हाउस इतना बड़ा है कि आप कह नहीं सकते कि इसको बिल्कुल खाली छोड़ा जा सकता है या कोई रहता नहीं है। काफ़ी अच्छा और एक्सपेंसिव है। बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या मामलात हैं, सच है कि झूठ है, अंदर जाके पता लगेगा। चलते हैं आज नमाज में। पहले आपको ये दिखाएंगे, ये ताला लगा हुआ है। उन्होंने कीज़ इसलिए नहीं दी, उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे इधर अंदर जाने की। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे अंदर जाएं, बाकी आपके साथ जो है वहाँ पे मामला तो होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो हमने रिस्क लिया, आज देखते हैं, लेट्स सी। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको ना इसका थोड़ा सा आउटर बाउंड्री दिखाते हैं कि ये कितने रकबे पर है। थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, लेकिन उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा फार्म हाउस। लाइट देना नवाज, ये इधर से डोर दिखाओ, कितना बड़ा दरवाज़ा है इसका। आप दरवाजे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी हसन भाई है। देखें ना यार, वॉल देखें कितनी अच्छी लगाई है। हाँ, अच्छी बनी हुई है, अच्छा खासा पैसा लगाया गया, लेकिन रहा नहीं जा सका है उनसे यहाँ पे। ये साथ बिल्कुल खेत वगैरह हैं इसके, तो जानवर भी बोलने की आवाज़ें भी आ रही हैं। बिल्कुल साथ ही इसके जो है ना फार्मिंग होती है यहाँ पे। ठंड इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है लाहौर में, तो ये दरख्त की भी हालत देखें हुए अल्लाह अकबर। यार अगर हो सकता है ना शफकत, इधर से हम दिखाते हैं थोड़ा दूर तक, नवाज आगे देखना यार कहाँ तक कैप्चर होता है। मोबाइल से कर रहा हूँ एहसन भाई। हाँ देखो गाइस, ये आप खुद देख लें इसकी बाउंड्री कितनी दूर है, यानी हम कह सकते हैं कि कई जो है ना कनाल पर मुश्तमिल है ये फार्म हाउस।
एसन भाई उनसे पूछा तो था, लेकिन उन्होंने कहा 18 से 20 कनाल। हाँ, दो किले आई थी बताया था, दो किले कह रहे थे उसमें। हाँ, दो किले कह रहे थे, मालूम नहीं है उसमें कितने कनाल होते हैं। बाउंड्री अच्छी खासी बड़ी है यार, लोकेशन में काफी खौफ है। दरख्त भी पीपल का भी है, बाकी अंदर जाके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। गाइस इसकी की जो है हमें नहीं दी गई है, तो ऐसा भाई अब ऊपर से जाना पड़ेगा फ्लांग। हाँ, इसको फ्लांग के जाना पड़ेगा। कहा था, काफी फोर्स किया था हमने कि आप हमें कीज दे दें, हम चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम कीज नहीं आपको देंगे, अगर आपने जाना है इसको फ्लांग के चले जाएं अपनी जिम्मेदारी पे। गाइस जितनी दूर इस साइड पर है इतनी ही दूर इस साइड पे भी है। हमें जितनी जल्दी हो सके हमें अंदर जाना, उसकी वजह यह है कि बाहर कोई आके हमें रोके, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है ना हम अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे इसकी। अल्लाह अकबर, ये दरख्त से हसन भाई इतना खौफ, तो दरख्त के अंदर ये देखे ना एक भी पता नहीं है इसमें, कोई भी पत्ते वगैरह नहीं लगे हुए। ये लोग हैं इधर से सबका, ठंड अच्छी खासी है यार। मुझे लगता है मैं जैकेट ले ही लूँ अपने, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो इस वक्त। एफन भाई ये पकड़ो ऊपर से, इधर से जरा पकड़ना, जरा माइक में ऑफ कर रहा हूँ, जरा ऑन रखो, कुछ नहीं होता। नहीं वो आपको पकड़ा दूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता। स्टार्ट इधर से करते हैं शफकत, ये अच्छा खासा बना हुआ है यार। आई थिंक उसके लिए चौकीदार वगैरह सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल। एक्शन भाई ये देखे ना वो सामने से, यार इधर कोई जानवर है यार, ये जानवर किसी के ना। हाँ ये सामने वो देखे ना वो, जैसे वो सिक्योरिटी के लिए बिठाए होते हैं। हाँ, 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 हाँ। अब इसको बंद कर दिया, ये आवाज किस चीज की है। सिक्योरिटी के लिए है, यहाँ से इसको बंद कर दिया गया। नवाज भाई ये सारी दिखाओ उधर ऊपर से भी, इसकी हालत देखो क्या हो गई है। अच्छा इस पर मेरे ख्याल में ना वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है इधर पे, ये तो बिल्कुल ही ऑफ है। हाँ। भाई ये देखे ना इसको खुद ही यानी कि कट ऑफ किया उन्होंने। अच्छा शफकत साथ रहना है, क्योंकि हमें बताया गया था कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी हैं। ऐसे है बिल्कुल, आवाज़ आई थी यार, आवाज़ आ गया उधर। ये देखें ये पानी के लिए, इसकी हालत देख यार कितनी ख़राब हो चुकी है। ओए होए होए अल्लाह अकबर, ये देखें हसन भाई आवाज़ आई है यार किसी चीज़ की। हसन भाई शौकत आपको भी आई है जानवर? हाँ आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मुझे ये जो जानवर को उन्होंने बताया ना हसन भाई, उनका ज़्यादा खौफ आ रहा है। और बहुत बड़ा एरिया है ये, छोटा सा नहीं है। इधर से आवाज़ आई है, ये देखो आगे लाइट लेके आओ, लाइट लेके आओ। है उधर कोई चीज़? यार ये क्या है? ये कुछ जलाया हुआ है, ये खत्म किया गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नवाज ये सारी इधर लोकेशन को थोड़ा सा पहले दिखा दो। अच्छा तो गाइस ये जानवरों के लिए बनाया गया सामने या नहीं? नहीं डेकोरेशन के लिए, कोई डेकोरेशन ही है यार, ये मेरे ख्याल में रूम्स वगैरह ही हैं कुछ। अल्लाह अकबर हसन भाई, यहाँ से तो बिल्कुल ये देखे ना न्यू लग रहा है इधर से। हाँ यार ये हालत देखो कैसे ख़राब हुई हुई है। ये तो जानवरों के लिए है ये वाली, ये एरिया शायद किसी जानवर वगैरह के लिए बनाया गया है। आप पहले गेट से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि गेट
लग इतना के बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये अंदर से लग रहा है कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ है बिल्कुल, इसको छोड़ ही दिया, पूरा रेनोवेट करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला। लाइट इधर करो नवाज भाई, कुछ चीज थी ना फील ऐसी हो रहा है भाई अंदर, ध्यान से ये जंगले भी लगे हुए हैं, जानवर भी हो सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है इधर। ये पानी से आप अंदाज़ा लगाएं कितना पुराना है, ये देखो कितना गंदा हो चुका है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जमा पता नहीं कितने अरसे से ये ऐसे है। अल्लाह ऊपर नवाज इधर आओ कैमरा लेके, चपकत ये तो बिल्कुल नहीं हुआ यार अंदर से, लेकिन इसकी बाहर से झाड़ियों वगैरह की हालत ऐसी हुई हुई है कि अगर न्यू कोई बनाता ना किसी के लिए तो ऐसे इसको छोड़ता तो ना यार। यासन भाई यार ये पिंजरे टाइप बनाए गए हैं जैसे जानवर रखने हो किसी ने। अल्लाह अकबर, ये क्या था वो देखो, ये था ना कुछ, ये इधर से टहनियाँ हिल रही हैं, ये देखो अल्लाह अकबर, ये क्या था वो देखो, ये था ना कुछ, ये इधर से टहनियाँ हिल रही हैं, ये देखो वो, हाँ ये हिल रही हैं, अभी पहले नहीं हिली हुई थी ये, मैंने इधर से देखा है ना, इतनी बुरी आवाज आई है हसन भाई, अंदर आओ। उधर करो, वो देखो वो देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या था नवाज, रिकॉर्ड हुआ कैमरे में नवाज, साथ रहना यार है, यहाँ पे कोई मौजूद है यार, ये बिल्कुल पिंजरे टाइप बनाए गए हैं यार। सुन भाई अंदर हम ध्यान से, जरा पीछे से दरवाजे भी ना बंद हो जाए, हम अंदर क्या करेंगे फिर, बहुत ध्यान से जरा है नवाज, आपने यहाँ से आगे नहीं आना, यहाँ पे रहना ठीक है, दरवाजा का भी ध्यान रखना ना, ऐसी जगहों पे लॉक वगैरह भी लग जाते हैं, हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है। ये देखो एरिया कैसा बनाया गया है, यहाँ छोटा मोटा जानवर तो कोई रख नहीं सकता कोई, आगे आओ, लगता है यहाँ पे रखा है किसी जानवर वगैरह को इन्होंने ना, ऐसा भाई जगह जगह पे जानवर अपनी निशानी बिल्कुल ये दिख रहे हैं। हाँ हाँ वैसे लेकिन बहुत एहतियात करनी पड़ेगी ऐसा भाई यार, इधर बहुत खौफ है शक्कर, और जितना बड़ा ये है हम सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर, ओए वो देखो दरवाज़ा हिल रहा है, लाइट आगे लाना ज़रा, दरवाज़ा हिल रहा है, हाँ जी यार ये खुला हुआ था खुला हुआ था ना शफकत, ओए वो कौन है इधर किधर हसन भाई, लाइट लेके आओ, लाइट लेके आओ, उधर वो इधर कोई खड़ा हुआ था यार हसन भाई, अभी मैंने खुद देखा इधर किसी को खड़े हुए, कोई भी नहीं है यहाँ पे तो यार, मैंने यहाँ पे खुद कुछ किसी को खड़े हुए देखा यार, कुछ था यार यहाँ पे, लाजमी कोई खड़ा हुआ था,
चला बाहर देखते हैं यार, देखते हैं लोकेशन नजर आ रही हो आपको तो, ये देखो ना नवाज आगे से लोकेशन दिखाओ जरा यार, इतनी बड़ी लोकेशन है ये। देखे ना स्मोक की वजह से लोकेशन भी नहीं सही नजर आ रही, मोबाइल में एफएम भाई फिर भी नजर आ रही है। आओ 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 आ गया, आओ आ गया। गाइस ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दी का ये हाल है, मैं कि मार से बोला भी नहीं जा रहा है, पानी बिल्कुल ऐसे बर्फ की तरह जमा हुआ है। इसकी ये हालत आप बाहर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी के यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। दिखाओ नमाज, अगर ये यूज़ में हो ना तो इसकी ये हालत ना हो। कैमरा उधर करना, कैमरा उधर करना, कोई जानवर है उधर, कोई है उधर, कोई भी नहीं। हसन भाई, हसन भाई वो सामने देखो कोई चीज़ थी, ओए नीचे है यार मिट्टी है ये नरम, था इधर कोई, ओए ताला हिला, वो देखो ताला हिला। ये मुझे पहले ये बताओ ये बंद किया था आपने? नवाज बंद किया था, ये बंद कैसे हुआ है? अंदर कोई है? पहली बात तो ये देखो ना कि बंद कैसे हो गया, और ये तो शुक्र है हम उधर नहीं अंदर थे तो तब बंद नहीं हुआ। आओ उधर, इधर इस साइड पे आओ, किसी के नीचे जरा ध्यान से देख के है, काफी खतरनाक सी जगह है यार ये तो। यार वैसे अकेला अगर कोई इंसान इधर आ जाए रात के वक्त इधर, नहीं यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, क्या कहता है शौकत? हसन भाई जगह इतनी बड़ी है कुछ समझ नहीं आ रही, ऊपर से इतना खौफ है जगह में। गार्ड्स की हिम्मत है जो 2 माह या 3 माह इधर गुजारते रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इधर कोई, हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं हम इधर आते हुए काफी ज्यादा खौफ ज्यादा है। ये देखें हसन भाई, ये गमले वगैरह भी पड़े हुए हैं इधर, जो एक फार्म है उसकी ब्यूटी होती है ना वो फ्लावर्स की वजह से होती है फर्स्ट, ऐसे ही हसन भाई फ्लावर्स वगैरह मैंने जितना देखा ना हर चीज मद्देनजर रख के बनाया गया है, खूबसूरती को और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखो, इसका नक्शा इतना अच्छा बना हुआ है हसन भाई। बाकी इसकी मेन एक बिल्डिंग ये है, एक शायद उस साइड पे है, एक वो सामने आपको हाँ। मैंने पहले भी दिखाई है मोबाइल में से, चलते हैं मैं कहता हूँ उधर चल के देखते हैं यार उधर क्या ऐसी चीज है जो किसी को यहाँ रुकने नहीं देती। ये देखो ना, ये देखो चलने की आवाजें आती है हसन भाई, जैसे कोई चल रहा है यार। मुझे इधर जो नजर आया ना खड़ा हुआ वो मुझे नहीं समझ आया कि क्या चीज थी क्या है वो, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर देखा है किसी को उधर। ओए शफकत ये जंगली जानवर क्या है? ओए ये देखो ना जिसको हम वो सेग कहते हैं ना पंजाबी या उर्दू में मालूम नहीं है, लेकिन ये से जिसको कहा जाता है ये उसके हैं, यानी यहाँ पे शफकत वो क्या है? वो देखो कुछ खड़ा हुआ है ना कोई उधर है ना कोई, अल्लाह अकबर क्या ये वाइट लिबास में, हसन भाई 2 मिनट रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर। ओए अच्छा हिल भी नहीं रहा, ये तो अक्सर होता है, ये रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड
आ गया हो। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कौन है तुम? कौन है यहाँ पे यार? ये शक्कत ऐसा भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था यार, लास्ट में था यहाँ पे कोई। ये देखो व्हाइट कलर का यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था ऐसा भाई। यार मैं तो इसका स्ट्रक्चर देख के रहा हूँ, कितना प्यारा। इधर दिखाओ, पूरा कैमरा दिखाओ जरा, अंदर दो मिनट, ये अंदर भी हो गया मेरे ख्याल से। अल्लाह अकबर, कौन है इधर? हसन भाई दो मिनट इधर आए, हसन भाई इधर से रिकॉर्ड करने दे, ये देखिए इधर कोई है। वो ये क्या पड़ा हुआ यहाँ पे? कोई खड़ा था हसन भाई, मैंने खुद रिकॉर्ड किया था यार, यहाँ पे लाजमी था कोई। ये देखिए ये हर जगह जानवर की, ये देखे हाँ यहाँ जानवर है लाजमी कोई यार। एक ही है वो जानवर, ये जो भी है ना इधर, अपने आप को बचा के जरा देख के। इन्होंने व्हाइट कलर का कहा, व्हाइट कलर की चीज थी सर कटी हुई। देखी मैंने भी है, मेरा इस वक्त कुछ बयान नहीं कर पा रहा हूँ। वो दे किधर? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये ऊपर से भी लोकेशन दिखाओ जरा, लुके वो आवाज सुनिए। आवाज देख सुनिए, एकदम से आगे नहीं जाना, अपने आप को भी यार जरा सेफ्टी रख के हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसी टाइम कोई भी नहीं है यहाँ पे, उसी टाइम कैमरा मूव है। आगे जाके नवाज भाई दिखाओ जरा, देखिए हसन भाई मैं इधर से कोई भी नहीं है यार, इधर कोई भी नहीं है, ये इस साइड पे भी हसन भाई कोई नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार शफकत, है क्या ये? अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, ऊपर देखें हसन भाई, माशाल्लाह कितना अच्छा ये बनाया यार, बहुत अच्छा बनाया गया है। गाइस आप देखें ये लोकेशन, आप बिल्कुल ये न्यू छोड़ के मेरे ख्याल से चले गए यार। वो बता तो रहे थे कि वो रहे नहीं है इधर ज़्यादा देर, बिल्कुल थोड़ा सा अरसा। भाई आप जरा पूरा फोकस करके ध्यान से, अगर मेरे पास रिकॉर्ड ना हो सके तो आप तो रिकॉर्ड कर सको, जरा ध्यान से और बिल्कुल डरना नहीं है। आओ जरा आगे देखते हैं, इधर जो भी चीज है हमने रिकॉर्ड लाजमी, दो बार तो हो गई हसन भाई रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो गई है। आप ये देखो ये है कितना बड़ा, हमें पता ही नहीं चल रहा जाना किधर है। अभी तो ये हम एक पोर्शन में है गाइस इसकी, इधर आओ। आगे यहाँ पे कोई मौजूद है? ये देखो आवाज आई ऊपर से हसन भाई, आवाज आ रही है मुसलसल आ रही है, हालत देखो इसकी। माइक में देखना हमारी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हालत देखो इसकी, पता लग रहा है कि कितना पुराना है। और किसी ने अगर बनाया है ना तो पूरे यार आप कह लो दिल से बनाया है कि हर चीज का ख्याल रखा जाए इसमें, रखा जाए इसमें। ये क्या था? इतनी खौफनाक आवाज थी हसन भाई, आई किधर से ये आवाज? वो ये लिए हैं ऊपर से, ऊपर से, ऊपर। इसकी हालत देख जुगाड़ की, दिमाग की वजह से हालत देखो इसकी। शफकत हसन भाई बाहर है कोई? खामोशी के साथ हम रिकॉर्ड करें ना वो बेहतर होगा, इतनी बुरी आवाज़।
गाइस आपके सामने, आपने लोकेशन भी देख लिया, बाहर से भी देख लिया कि उन्होंने दो कनाल कितने कहा यार, दो मुरब्बा मेरे ख्याल में, मालूम नहीं है मुझे मुरब्बा कहा था कितना कहा था, दो मुरब्बा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ये तकरीबन 10 कनाल से ज़्यादा जगह है इसकी। तो जो बाउंड्री है बाहर वाली वो ही नहीं ख़त्म होती, ऊपर से अंदर आके इतना अच्छा बनाया हुआ माशाल्लाह से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बावजूद ये छोड़ के जाना इधर से बड़ी, ये बिल्कुल आगे आओ ना समझ बात में, मुझे लगा यहाँ पे कोई था। ये देखो फिर आवाज आई पीछे से, पीछे पीछे कैमरा, वो देखो सामने सामने, क्या 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 क्या, ओए भागा भागो, ये देखो, ये देखो फिर आवाज आई पीछे से, पीछे पीछे कैमरा, ओए भागा भागो, ये देखो गया 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 इधर से कोई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये देखो आवाज सुन रहा है, ऊपर से भी आवाजें आ रही हैं। हसन भाई यहाँ पे कोई फिर रिकॉर्ड हुआ, फिर रिकॉर्ड यहाँ पे था ना, हसन भाई यहाँ पे सामने था कोई, यार अभी तो हम इसके एक पोर्शन को नहीं डिस्कवर कर सके पूरे को, तो इतना कुछ है यहाँ पे, अब अगर सारा करें तो क्या मालूम हमें कितनी देर लग जाएगी इसमें, तो क्या कहता ऊपर चले हसन भाई, इतना तीन बार नीचे, तीन बार आ चुका है, ये अंदाज़ा लगाएं ऊपर क्या आलम होगा, ऊपर से भी इतनी बुरी आवाज़ें आ रही हैं ना, अब माइक में पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक आवाज़ आई है, आओ ज़रा चलते हैं ऊपर, एक बार यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, दो बार उधर हुआ है हसन भाई, एरिया बहुत बड़ा है इसलिए पूरी पूरी एक एक जगह हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन अभी जो महसूस हो रहा है ना हमें ऊपर का हो रहा है कि ऊपर है कुछ, चले चलो हसन भाई, नवाज जरा ध्यान से नीचे आ जाओ आप भी साथ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, ओए नीचे भी है, कौन है, था ना कोई, पर ये नीचे से भी दिखाओ नमाज, आगे हैं, ये तो लड़की की आवाज नहीं थी, ये गाइस आप देख सकते आवाजें, देखो यार हसन भाई ये आवाजें देखें कितनी बुरी आवाज है, ये किसी औरत की ही आवाज थी, कितनी बुरी आवाज है हसन भाई, जैसे कोई हंस भी रहा है रो भी रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या है, ध्यान से हसन भाई नीचे भी वो दे, यार एक और चीज शक्ल नोट करो, वो जानवर जो भी है ना इधर ऊपर भी आया, ऊपर नीचे हर जगह उसके, यानी कि हमें गंद जो है ना नजर आ रहा है, एजुकेशन इतनी बढ़िया कि हम लोग एक आदमी को कोर्स कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ही कवर हो गई थी यार, आज तो बिल्कुल ही कवर नहीं हो रही, ऊपर से टाइम इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर गया, लाइट इधर करो तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ, ये जितने भी बाउंड्री पे ये दरख्त नजर आ रहे हैं सारे फार्म हाउस, वो देखिए दूर दूर तक
दूर दूर तक गाइस आपको जो भी नजर आ रहा है ना, ये सारा फार्म हाउस यार। और शक्कत ये पीछे वाला है, ये ठीक है। ये मेरे ख्याल में वो सर्वेंट रूम है, पीछे होते हैं ना सर्वेंट के लिए। इसकी हालत देख यार, इसकी हालत देख यार, हालत देख इसकी। माइक की आवाज नहीं आ रही। माइक किसकी आवाज नहीं आ रही? देखो आपकी आ रही। हेलो राहुल, हेलो मेरी नहीं आ रही माइक? अगर आ रही है या शक्कर आ गया अल्लाह ऊपर नहीं है ना इधर कोई भी। लाइट जल्दी लेके आओ ना आगे यार, लाइट तो लेके आओ। कोई भी नहीं है इधर। इधर यहाँ पे खड़ी थी असल ये जगह पे। हाँ मैंने खुद देखा और बिल्कुल साफ क्लियर रिकॉर्ड हुई है। जैसे ही आपने कहा ना यहाँ कौन हो आप, वो गायब हो गई। नीचे चले, नीचे चलते हैं गाइस। आपको ये कह रहे थे कि अभी डेढ़ घंटा दो घंटा जितनी है, एक घंटा हमने रिकॉर्डिंग की है, उसमें से अभी एक एपिसोड आपको आवाज आई है यार। ये दे आवाज मुसलसल आ रही है यार। बाकी नेक्स्ट एपिसोड भी हम करेंगे दूसरी साइड पे। अभी नीचे चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या मामला था, वो आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के हमारे माइक बिल्कुल वो वायर उतर गई थी, पता नहीं लगा क्योंकि ऐसे मामला जब हैपनिंग स्टार्ट होती हैं तो फिर कैमरा मैन को भी बिल्कुल
पता नहीं लगता कि वो बिल्कुल बंदा क्या आ जाता हो रहा है, घबराहट की वजह से ज़्यादातर हो जाता है। और आप लोगों की ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि लाइट बहुत कम है, लाइट बहुत कम है, लाइट हमारी बिल्कुल फुल होती है। कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं कि दूर तक कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता। और अभी हमारे चैनल अभी स्टार्ट है, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी जितनी हो सकता है अब दिखाते हैं आपको। आज मोबाइल भी दूसरा यूज़ कर रहे हैं, अब यही हम आपके लिए कर सकते हैं। बाकी अभी हम नीचे चलते हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इंशाल्लाह, बाकी भी इसकी जो है ना दिखाएंगे। यार नीचे आ, नीचे आप 5 मिनट जो आपको मोबाइल की वॉइस है वो ही आएगी। अल्लाह अकबर, कैमरा भी बिल्कुल ऐसा भाई बंद हो गया ना, कैमरा भी हो गया। यार समझ नहीं आई है हमें इस चीज़ की, दो बैटरियां यूज़ की हैं हमने, दोनों जल्दी ख़त्म। अपना हाँ यार नवाज, अगर कैमरा बंद हो गया तो मोबाइल से कैप्चर होने। यार ऐसे लगा जैसे सिर पे कुछ गिरा। हसन भाई बड़ी बुरी आवाज़ आई है, बहुत बुरी आवाज़ थी यार ये, बहुत बुरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हसन भाई कौन सी साइड कह रहे थे आप? ये सारी दिखा दी है हमने गाइज, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे तो ज़रूर आएंगे, आपको बाकी भी दिखाएंगे। अभी जो है हम सिर्फ बैटरी की वजह से, बैटरी की वजह से हम जो है ना पूरा इसको नहीं कर सकते। हसन भाई बैटरी फुल भी होना तो जितना बड़ा हम नहीं अभी पूरा कर सकते, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। ऊपर से अब कह लें कि टाइम दो तीन बजने वाले हैं, तो इधर रुकना हमारा बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। चीज़ें हमने कुछ रिकॉर्ड की हैं, कुछ आवाज़ें भी आई हैं, बाकी हम लाजमी यहाँ दोबारा आएंगे, दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट लाजमी यहाँ पर आके करेंगे।